कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता। पार्थ, तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है ये जानना आवश्यक। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी। मनुष्य जब भी सुख की, संपत्ति की, प्रशंसा की आशा रख कर कोई कार्य करता है तो वो उस कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्मयोग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।